हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ यूएसबी मोड। क्या होता है, बहुत सारे टीवी में यूएसबी मोड बहुत ही आसानी तरीके से नहीं मिल पाता, कहाँ पे रहता है हमको ढूंढना पड़ता है। तो अभी अभी कैसा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यूएसबी मोड बहुत ही नॉर्मल तरीके का है, आप बहुत ही ईजिली ढूंढ सकते हो। चाहे वन प्लस का टीवी हो, चाहे एमआई का हो, चाहे रियलमी, चाहे इंटेक्स हो, एलजी, सैमसंग, पैनासोनिक, अदर कोई भी ब्रांड का हो। ये एरो का बटन देख रहे हो, एरो पे जब ओके करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा यूएसबी मोड। ये आप यूएसबी मोड में ओके करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप ओके कर सकते हो। ये देखो आ गया यूएसबी मोड। जैसे आप यूएसबी पीछे लगाए रहोगे टीवी के अपने पीछे, तो यहाँ पे शो करेगा। मैंने अभी यूएसबी मोड पे यूएसबी ऑन कर दिया, बट मैंने यूएसबी पेन ड्राइव जो बोलती है मैंने नहीं लगाया। तो आप देखो यहाँ पर लिख रहा है इम्प्टी, इम्प्टी फोल्डर खाली है। तो आप कोई भी यूएसबी मोड जब ओपन करोगे तो आपको ऐसे ही फोल्डर सब दिखेगा सामने से। यहाँ पर इजीली आप ढूंढ सकते हो, यूएसबी मोड ढूंढना बहुत ही आसान है। बहुत सारे एलईडी का यहाँ पे एरो के ऑप्शन आएगा ऊपर, वहाँ से ढूंढना पड़ता है। बहुत सारे टीवी में क्या रहता है, अलग अलग, जैसे यहाँ पे देख रहे हो HDMI 1, HDMI 2, AVVV, AVTV, ये सब मोड है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ही यूएसबी रहता है, 70% लगभग एलईडी लोग का यहीं पे रहता है यूएसबी मोड। बाकी कुछ का ऐसा है कि यहाँ पे नहीं रहता, तो उसके लिए नीचे ऑप्शन जाना पड़ता है। नीचे आप आओगे जहाँ पे आप देखोगे सारा एप्लीकेशन, जैसे कि प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, Z5, सोनी, जियो सिनेमा, जितने एप्लीकेशन हैं इसी में आप जाओगे ना, देखते रहते थे, सामने से मीडिया लिख के आएगा। एक ऐसा ही फोल्डर ऐसा ही बना रहेगा जिसमें मीडिया रहेगा, उस मीडिया को ही यूएसबी मोड बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं कि बार बार आपको देखना पड़ेगा यूएसबी मोड। अगर आपको एरो करके ऊपर निशान जो स्कोर का आता है, स्कोर में अगर नहीं मिल रहा यूएसबी मोड तो आपको यहीं पर ढूंढना पड़ेगा, यूएसबी मोड यहाँ पर ही रहता है। जैसे कि इंटेक्स का दिया है, तो इंटेक्स की एलईडी है, तो इसमें मोड वहाँ पे है। ये एरो का जो निशान है, एरो मतलब